क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वाइज मैन यूज देम। फ्रांसिस बेकन यहाँ पर बताते हैं कि 3 कैटेगरी होती है लोगों की, 3 तरह के लोग होते हैं, क्राफ्टी, सिंपल एंड वाइज। क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन एंड वाइज मैन, और तीनों का ही क्या अप्रोच होता है, क्या एटीट्यूड होता है, या क्या थिंकिंग होती है, किसके बारे में, स्टडी के बारे में, नॉलेज को लेकर, लर्निंग को लेकर, तीनों ही क्या सोचते हैं। जो क्राफ्टी मैन होते हैं, क्राफ्टी, कनिंग, क्लेवर, इलिटरेट कह सकते हैं, जो काफ़ी चालाक लोग होते हैं, कनिंग टाइप नेचर होता है जिसका, इस तरह के लोग हमेशा स्टडी को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कंडेम करेंगे। वो हमेशा स्टडी को गलत बताते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी अपनी कोई भी लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल एबिलिटी इनके पास नहीं होती, इनको पता नहीं होता कि स्टडी करने से क्या उसका लाइफ में एडवांटेज मिलता है। तो इस तरह के लोग हमेशा जब भी वो स्टडी के बारे में सुनते हैं, या किसी को पढ़ते हुए देखेंगे, या नॉलेज उनके सामने जब भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट की जाएगी, तो वो हमेशा क्या करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि लाइफ में स्टडी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये नॉलेज को यूजलेस मानते हैं और हमेशा फील करते हैं कि ये क्या है, इररेलीवेंट है। स्टडी को, नॉलेज को वो क्या मानते हैं, इररेलीवेंट मानते हैं। किस तरह के लोग, जो क्राफ्टी होते हैं, क्राफ्टी जो कनिंग या क्लेवर होते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, लेकिन जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, सिंपल मैन जो सीधे साफ लोग होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, स्टडी को अप्रिशिएट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, वो काफ़ी वंडर फील करते हैं, उनको काफ़ी ताज्जुब होता है किस पर, बुक्स पर, लर्निंग पर, नॉलेज पर। उनको लगता है कि पता नहीं उनके अंदर क्या मिस्टीरियस थिंग है, क्या छिपा हुआ है, पता नहीं वो हमें क्या प्रोवाइड कर सकती हैं। तो वो हमेशा, जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, वो हमेशा नॉलेज को या स्टडी को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये अप्रिशिएट तो करते हैं, बट दे नेवर ट्राई टू गेट इट, लेकिन ये कभी भी कोशिश नहीं करते क्या करने की, नॉलेज गेन करने की या स्टडी करने की, राइट? ये अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसे पाने की या पढ़ने की कोशिश नहीं करते। किस तरह के लोग, जो सीधे सच्चे सिंपल मैन होते हैं, इनको फ्रांसिस बेकन ने क्या कहा है, सिंपल, क्योंकि ये अगेंस्ट नहीं होते किसके, स्टडी के। और लास्ट जो हमारी कैटेगरी आती है, दैट इज वाइज मैन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ये ना तो कंडेम करते हैं, ना ये एडमायर करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, यूज देम, ये जितना ज़्यादा हो सकता है यूटिलाइज करते हैं। ये स्टडी तो करते ही करते हैं, जितना ज़्यादा ये पढ़ना चाहते हैं पढ़ते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, और स्टडी में इनका इंटरेस्ट होता है, तो स्टडी तो ये करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, उसे पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी लाइफ में उसका जितना ज़्यादा हो सके उसको यूटिलाइज करें। तो ये किस कैटेगरी के पर्सन होते हैं, वाइज। फ्रांसिस बेकन ने इस तरह के लोगों को क्या माना है, वाइज, इंटेलिजेंट माना है, इंटेलेक्चुअल माना है, और ये फुल ऑफ विजडम होते हैं, क्योंकि ये स्टडी को यूटिलाइज करते हैं, और जो भी इनकी डेली टू डेली लाइफ होती है, ये पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी लर्निंग को उसमें यूज करें। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज, क्योंकि बुक्स हमें नॉलेज तो देती है, लेकिन वो हमें कभी भी ये नहीं सिखाती कि उसको लाइफ में यूज कहाँ करें, कैसे करें, कब करें। ये हमें कौन बताता है, ये हमें हमारी प्रैक्टिकल विजडम या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही हमें पता चलता है। तो बुक्स क्या करती है, स्टडी से हमें क्या मिलती है, नॉलेज मिलती है, वो हमें कुछ सिखाती हैं, अच्छा, अच्छी नॉलेज हमें देती हैं, लेकिन कभी भी कोई बुक आपको ये नहीं बताएगी कि उसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। जो भी आपने उससे सीखा है,
फोर, तो इसीलिए वाइज मैन क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इनको पता होता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कैसे किया जाए। और यूज़ करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो आपको ऊपर बताया गया था, दैट इज़ एक्सपीरियंस, राइट। जितना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आप क्या बन जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड। अब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों आप के साथ साथ चल रही हैं, दोनों को ही आप यूटिलाइज कर रही हैं। फोर, दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, क्योंकि बुक्स कभी भी हमें, वो हमें नॉलेज देंगी लेकिन कभी भी उनकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन वो हमें नहीं सिखाती। तो नॉलेज का जो एक प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है वो हमें किसके थ्रू मिलता है, बट दैट इज़ अ विजडम। और ये हमारी इंटेलेक्चुअलिटी पर डिपेंड करता है, ये हमारी विजडम पर डिपेंड करता है। विदाउट देम, विदाउट देम दैट इज आउट ऑफ बुक्स, राइट। जो भी विजडम, जो भी दैट इज आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस है, विजडम है, वो हमें कहाँ मिलेगी, विदाउट देम। देम मीन्स बुक्स, देम मीन्स स्टडी आउट ऑफ बुक्स। बुक्स के अंदर नॉलेज होगी लेकिन विजडम, विजडम की उनको कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बुक्स के बाहर मिलेगा, न कि बुक्स के अंदर। एंड अबाउट देम, और उनसे भी ऊपर होता है। उनसे ऊपर क्या होता है, आपका विजडम, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी या आपकी प्रैक्टिकलनेस, जो आपको कभी भी बुक्स के अंदर नहीं मिलती। और इसको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन, राइट। वन बाई ऑब्जर्वेशन इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी गोट ओनली थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो आपका एक्सपीरियंस और आप अपना ऑब्जर्वेशन से क्या कर सकते हैं, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने स्टडी किया है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। किसके थ्रू, जितना ज़्यादा आप उसे यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कीन ऑब्जर्वर होंगे, आप वाइज बनेंगे और आप एक्सपीरियंस्ड या मैच्योर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि बुक्स हमें नॉलेज देती है लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज, जितना हम लाइफ में करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि नॉलेज का यूटिलाइजेशन सिर्फ आता है विजडम से। आपकी, जिसे कहते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी पर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडी को कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो एक्सपीरियंस क्या है, ये बुक्स से बाहर की बातें हैं, ये आउट ऑफ बुक्स। तो जो भी एक्सपीरियंस हैं ये सब बाहर है, किससे, आपकी बुक्स से। क्योंकि एक्सपीरियंस को कभी भी आप बुक्स से गेन नहीं कर सकते। तो ये इसका जिस्ट था यहाँ पर, ये शॉर्ट में ये बताया था हमें फ्रांसिस बेकन ने। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में वो पर्पस बता रही हैं कि स्टडी का पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, मेन जो एक एम है वो स्टडी का क्या होता है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए या किस लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा पढ़ने का एम क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ लाइंस में फ्रांसिस बेकन ने बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है कि आप पढ़िए, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन कभी भी क्यों ना पढ़ें, कभी भी नॉलेज क्यों ना गेन करें, इस पर्पज़ को माइंड में रखकर कभी भी नॉलेज गेन ना करें, कभी भी स्टडी ना करें। किस पर्पज़ के साथ ना करें, तो देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये, रीड नॉट टू कॉन्ट्रेडिक्ट एंड कन्फ्यूज, पढ़ो लेकिन क्या करने के लिए मत पढ़ो, रीड नॉट, कभी भी किसी को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए मत पढ़ो। सिर्फ इसलिए मत पढ़िए कि आपको किसी के अपोज जाना है, आपको किसी का एंटी बनना है, आपको किसी के अगेंस्ट काम करना है। तो कभी भी किसी के कॉन्ट्रेडिक्शन के लिए मत पढ़िए, किसी के आपको अगेंस्ट खड़ा होना है, किसी के अगेंस्ट आपको बोलना है, किसी का बुरा आपको करना है, तो इसलिए नॉलेज गेन मत कीजिए। किसी का बुरा करने के लिए अगर आप स्टडी कर रही हैं, आप नॉलेज गेन कर रही हैं, तो वो स्टडी का पर्पस नहीं है। और ना ही क्यों पढ़ी, रीड नॉट टू कन्फ्यूट, कन्फ्यूट दैट इज क्वेरल,
किसी के साथ लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए हमें कभी भी स्टडी नहीं करनी चाहिए। वो डज इट मीन कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स आफ्टर बुक्स, बुक्स आफ्टर बुक्स। वाई? ताकि वो दूसरों के सामने खुद को क्या कर सके, प्रूव कर सके, अपने आप को बड़ा दिखा सके या दूसरे को नीचे दिखा सके, दूसरे को झुका सकें, दूसरे से लड़ाई में, बहस में जीत सकें या फिर दूसरे के अगेंस्ट जा सकें। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन की ये पर्पस नहीं है नॉलेज का। अगर हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, तो हमारा एम जो हम जिस पर्पस से हमने स्टडी की थी वो हमारा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ये मिशन नहीं है कभी भी नॉलेज गेन करने का। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। और किस लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि जो भी बुक्स में लिखा है, राइट, वो सही है गलत है, आप उसे अपने एक्सपीरियंस पर, अपने प्रैक्टिकलनेस के थ्रू आप उसको क्या करेंगे, पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद ही आप उसको फॉलो करेंगे। सो एंड बिलीव, नॉट टू बिलीव, सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं कि हाँ बुक्स में लिखा है या ये नॉलेज मिल गई आपको, किसी ने बता दिया, कहीं से आपने पढ़ लिया और आपने उस पर ही विश्वास कर लिया। ना तो इसलिए पढ़िए, ना ही क्यों पढ़िए, किसी को गलत साबित करने के लिए, टू प्रूव फॉल्स, ओके, टेक फॉर ग्रांटेड, किसी को झूठा साबित करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को गलत सिद्ध करने के लिए भी कभी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। कि अगर आप सिर्फ सामने वाले को फॉल्स या गलत साबित करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इससे आप क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, सिर्फ इसलिए भी मत पढ़िए कि आपको क्या करना है, अपनी कन्वर्सेशन को चार्मिंग अट्रैक्टिव बनाना है, सिर्फ एक बातें करने के लिए। कि आप अगर चार लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपको अच्छी अच्छी बातें करनी है, डिस्प्ले करना है, या आपको सिर्फ बातें करनी सीखनी है, तो इसलिए भी नहीं पढ़िए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, कि हाँ आपको एक टॉपिक मिल जाता है कि आपको भी अपने फ्रेंड्स सर्किल में या कहीं बैठकर उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो इसका भी कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप सिर्फ इस पर्पस के साथ स्टडी गेन करते हैं। बट टू वे एंड कंसीडर, तो किस लिए पढ़े, क्या मेन पर्पस है इस स्टडी का, टू वे, अपने आप विचार करें, अपने आप सोचें, अपने आप जज करें क्या सही है और क्या गलत है। जो भी बुक्स में लिखा है, जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, उसे खुद ही आपको क्या करना है, उसको वे करना है। वे मीन्स कि आपने खुद सोचना है, खुद समझना है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको आप कैसे अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरों को गलत प्रूव करने के लिए कभी भी स्टडी नहीं करनी चाहिए, वो उसका पर्पस नहीं है, राइट। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलॉड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर फ्रांसिस बेकन क्या बता रही हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू बी स्टडीड, कि कैसे पढ़ना चाहिए। लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ बहुत छोटी है और इतना पढ़ने के लिए है, इतनी नॉलेज है कि अगर हमें हमारी एज 1000 ईयर्स भी हो जाए तो भी हम वर्ल्ड की सारी नॉलेज गेन नहीं कर सकते। इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना कुछ सीखने के लिए है, इतना कुछ पढ़ने के लिए है कि हमें लगता है कि हमारी ये एज काफ़ी कम है। तो क्योंकि हमारे पास एक गॉड ने हमें इतनी ज़्यादा एज नहीं दी कि हम सब कुछ पढ़ सकें वर्ड बाई वर्ड। तो अब यहाँ पर फ्रांसिस बेकन ने इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया है कि अगर हम चाहते हैं टू गेट मोर एंड मोर, अगर हम चाहते हैं कि हम कम समय में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम अचीव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बुक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, कुछ स्टडीज़ ऐसे कर सकते हैं हम जिसको, जो कि कैसी होती हैं, ओनली टू बी टेस्टेड, राइट, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम स्वेलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही बुक्स होती हैं, और ये फ्यू बुक्स होती हैं, बहुत कम बुक्स ऐसी होती हैं जिसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से च्यू भी कर सकते हैं और डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। उनको च्यू भी करना पड़ेगा और उनको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थ्री कैटेगरी उन्होंने फिर बताई है किसकी, बुक्स की। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, और टेस्टेड से मतलब है यहाँ पर रीड लाइटली। ओके, आप उनको हल्का सा आपने देखा, हल्का सा उनका टेस्ट ले लिया आपने कि हाँ इस बुक्स की ये थीम है, ये सब्जेक्ट है, ये कंटेंट है, या ये वाली इन्फॉर्मेशन देती है। तो हल्का सा आपने क्या किया, उसको लाइटली आपने उसको एक बार पढ़ लिया, स्टडी कर लिया या ऑब्जर्व कर लिया विदाउट वेस्टिंग योर मच मोर टाइम एंड एनर्जी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पिकल होता है, सोस होती है, कि हम उसको खाते नहीं हैं, हम उसको च्यू या डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हल्का सा उसका टेस्ट ले लेते हैं। ओके, तो कुछ बुक्स कैसी होती हैं, ओनली टू बी टेस्टेड, कि हल्का सा बस उनको हमें लाइटली उनको स्टडी करना है। कुछ बुक्स कैसी होती हैं, अदर्स टू बी स्वेलोड, कुछ ऐसी होती हैं, स्वेलो से मतलब होता है यहाँ पर जैसे वाटर, वाटर है आपने, और आप वाटर को क्या नहीं करते हैं, आप वाटर को टेस्ट नहीं करते, आप वाटर को च्यू नहीं करते, बल्कि आप वाटर को क्या करते हैं, जो भी लिक्विड होता है आप उसको स्वेलो कर लेते हैं। और स्वेलो से मतलब है यहाँ पर रीड हेस्टिली, रीड हरीडली, जल्दी जल्दी पढ़ना। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि आपने जल्दी जल्दी उसको देखा और एक आइडिया ले लिया कि हाँ ये बुक इसके बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो कुछ बुक्स कैसी होती हैं टेस्ट करने के लिए, कुछ बुक होती हैं कि आपने उनको हरीडली पढ़ लिया, स्वेलो कर लिया, जल्दी जल्दी आपने उनको देख लिया, लेकिन बहुत ही कम बुक्स ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिनको हमें प्रॉपर टाइम भी देना चाहिए, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी चाहिए, विद कंसंट्रेशन हमें उनको पढ़ना चाहिए। और इस तरह की बुक्स ही होती हैं जो फ्यू होती हैं, जिन्हें हमें पूरी अटेंशन के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना तो चाहिए ही, बल्कि और हमें क्या करना चाहिए, उनको डाइजेस्ट भी करना चाहिए। डाइजेस्ट से मतलब पोंडर, राइट, मेडिटेट ओवर, थिंक ओवर उनके ऊपर। आप जितना बार बार उनको पढ़ेंगे, जितना आप उनको सोचेंगे, तो उतना ही ज़्यादा वो आपको क्या करेंगी, आपके लिए यूज़फुल रहेंगी और आपके काम आएंगी। लेकिन सारी ही बुक्स ऐसी नहीं होती जिसको च्यू या डाइजेस्ट किया जाए, कुछ ही बुक्स होती हैं जो बहुत अच्छी तरह से कह सकती हैं अटेंटिवली, स्लोली, उनको बहुत आराम आराम से पढ़ने की जरूरत होती है। तो स्लोली उनको पढ़ें और फिर क्या करें, उसके ऊपर विचार करें, सोचें कि आप उससे क्या क्या गेन कर सकते हैं, टू थिंक ओवर। सो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। दैट इज सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। ओके, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम किस में पढ़ सकते हैं, पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। कुछ सेक्शंस हैं उनके, कुछ हमने डिवीजन कर लिए, हमें वो सारा नहीं पढ़ना, बस हमने क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड करके उनको हल्का सा उनका हमने टेस्ट कर लिया। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली, कुछ ऐसी होती हैं कि आप क्यूरियसिटी के साथ नहीं पढ़ रही हैं, आप उनको हरीडली पढ़ रही हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रही हैं, क्योंकि आप उनको स्वेलो कर रही हैं। तो कम्प्लीटली आप उनको नहीं पढ़ रहे, बल्कि क्यूरियसिटी है आपके अंदर कि हाँ इसके अंदर क्या है, हल्का सा आपने देखा जल्दी जल्दी और आपने उसको बंद कर दिया। लेकिन कुछ बुक्स होती हैं, सम फ्यू टू बी रेड होली, लेकिन कुछ ही बुक्स कैसी होती हैं, होली, कम्प्लीटली, जो कि हमें पूरी तरह से हम जिनको पढ़ते हैं वर्ड बाई वर्ड, लाइन बाई लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी स्टडीड, शुड बी थॉट ओवर अगेन एंड अगेन। तो ये कैसी होती है, सम फ्यू टू बी रेड होली एंड विद डिलीजेंस। ओके, डिलीजेंस विद हार्ड वर्क, काफ़ी उनको, आपको उनके ऊपर वर्क करना है, और किस तरह का वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको यू हैव टू बी वेरी डिलीजेंट, आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग होना है। जितना आप उन पर मेहनत करेंगे, जितना आप ध्यान से अटेंशन के साथ उनको पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे, और अपने माइंड में उसको आप हमेशा रखेंगे, जो भी आपने उससे सीखा है या पढ़ा है, तो उतना ही ज़्यादा वो आपके लिए यूज़फुल होगी। गॉट इट? तो ये यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है हाउ वी शुड स्टडी, कि कैसे पढ़ना चाहिए। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाई डेप्टी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाई अदर्स, राइट।
और ये भी हो सकता है कि कुछ बुक्स ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन्हें आपको खुद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना पर्सनल टाइम या एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए एक डिप्टी रख सकते हैं, एक हेल्पर रख सकते हैं, असिस्टेंट रख सकते हैं जो आपके लिए उन बुक्स को पढ़ सकता है, या कह सकते हैं जो आपके लिए उनके नोट्स बना सकता है, या आपको उसका क्या बता सकता है, समरी बता सकता है, जिस्ट बता सकता है, या जो एक्सट्रैक्ट है, जो भी उसका सार है, वो उसमें से आपको सुना सकता है या आपको इन्फॉर्म कर सकता है, मिड ऑफ डैम, ओके, डैम दैट इज बुक्स बाई अदर्स। तो आप दूसरों से ये भी करवा सकते हैं कि आप दूसरों से सुन सकते हैं, पढ़वा सकते हैं, और आप ये भी करवा सकते हैं कि दूसरे आपके लिए क्या तैयार कर दें, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार कर दें। बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ये एक तरीके से आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, राइट, उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आप सभी बुक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेस इम्पोर्टेंट आप सिर्फ उन बुक्स के साथ ऐसा कर सकते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या जिन जिनको आप कह सकते हैं कि आप उनसे ज़्यादा कुछ आपको नहीं लगता कि आप सीख पाएंगे, लेकिन हर बुक पर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं या इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा आप उन बुक्स के साथ ही कर सकते हैं जिनकी कम इम्पोर्टेंस है। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और किस तरह की बुक्स आती हैं यहाँ पर, जो मीनर होती हैं, राइट, अच्छी बुक्स के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मीन बुक्स होती हैं, ट्रिवियल होती हैं, इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनके साथ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरीके से होगा, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स, ओके, हम कह सकते हैं कि ये फ्लैशी थिंग्स है, मीन है, ट्रिवियल है, और ये बिल्कुल एक फिल्टर्ड वाटर की तरह, देखिए अब यहाँ पर उन्होंने कंपेरिजन की है कि इस तरह की बुक्स जो डिस्टिल्ड बुक्स हैं वो कैसी हो जाएंगी आपकी, जस्ट लाइक अ कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, एक वाटर, एक फिल्टर वाटर कह सकते हैं, या इस तरह का वाटर जो टेस्टलेस है, ओके, टेस्टलेस हो जाएगा वो आपके लिए, फ्लैशी हो जाएगा, टेस्टलेस से मतलब है यहाँ पर कि जो वाटर होता है जब हम उसे फिल्टर करते हैं तो उसकी जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि पार्टिकल होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक इंटेलिजेंट या वाइज पर्सन है उसको इस तरह का बुक्स पढ़ना कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसे उसमें टेस्ट नहीं आएगा, उसे लगेगा कि जो भी उसके इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट्स थे वो शायद उसे गेन नहीं कर पा रहा है। तो इंटेलिजेंट लोग ब्रीफ पसंद नहीं करते, जिस्ट पसंद नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, जो अच्छी बुक्स होती हैं उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पसंद करते हैं, ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले सकें। तो उन्हें क्या पसंद नहीं होता, उन्हें डिस्टिल्ड बुक्स पसंद नहीं होती, डिस्टिल्ड दैट इज जो ब्रीफ कह सकते हैं आप, ब्रीफ नहीं पसंद होती, जैसे कि कैसा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर, जस्ट लाइक वी कैन से फिल्टर, ओके, जो एक फिल्टर्ड वाटर होता है ये बिल्कुल उसकी तरह होता है। सो